तालीम, शिक्षा एक अहम पहलू है हमारी जिंदगी का। हमारी जिंदगी में पढ़ाई लिखाई की अहमियत उतनी ही है जितनी हमारी जिंदगी में एक रहबर की, एक मार्गदर्शक की। इस मर्तबा हम जानेंगे कि आखिर क्या तालीम दी जाती है हमारे समाज के इन तमाम सरकारी स्कूलों में। जय दिनेंद्र आप सभी को। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। दोस्तों, हिंदुस्तान की तमाम मुकामी जगहों को देखने के बाद, चाहे वो बाबुल उलूम नाम का मदरसा हो, चाहे वो कोई और जगह, आज हम लोग आ चुके हैं दिल्ली के अंदर रामजस सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 के अंदर। पहले तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपने अपने स्कूल में वापस आए और हमें याद किया और हमारे बारे में आपका इंटरेस्ट है पूछने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। तो देखो, हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई वो तो आपकी तरह ही स्टार्ट हुई है, एज ए स्टूडेंट ऑफ ए गवर्नमेंट स्कूल, आर के पुरम सेक्टर 3 नंबर 1 जो गवर्नमेंट स्कूल था हमारा, वहीं से हमने पढ़ाई की अपनी। तो पैदल जाना होता था और पैदल आना होता था स्कूल में, पहले 4-5 किलोमीटर तक कोई बस का, या बाद में जब थोड़े बड़े हुए तो साइकिल से जाने लगे थे। तो पहले इस प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं होती थी कि स्कूल बस आएगी या कुछ है। सर, सरकारी स्कूल का जब भी हमारे जहन में ख्याल आता है तो कई किस्म के सवाल कई लोगों के जहन में पनपते हैं, कई लोगों के दिमाग में आते हैं। तो सर, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जैसे बहुत सी चीज़ों के ऊपर बच्चों को एम्फेसाइज किया जाता है, बच्चों को एक मोटिवेशन दिया जाता है कि वो लोग स्विमिंग भी करते हैं और वैसे इंग्लिश स्पीकिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें प्राइवेट स्कूल्स पर फोकस किया जाता है। तो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर आज के टाइम में, चाहे दिल्ली हो, हिंदुस्तान हो, किन किन चीज़ों पर आप लोगों का एक फोकस होता है, कंसंट्रेशन होता है, जो आप सरकारी स्कूल में बच्चों के ऊपर फोकस करते हैं, किन किन फील्ड? प्राइवेट स्कूल्स में और गवर्नमेंट स्कूल्स में यदि आप देखें तो थोड़ा अंतर होता है। अंतर क्या होता है कि गवर्नमेंट स्कूल में मेन जो फोकस होता है वो केवल पढ़ाई होता है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए बच्चे ने एडमिशन लिया है, चाहे वो 11th साइंस स्ट्रीम में, कॉमर्स स्ट्रीम आर्ट्स में लिया हो, चाहे वो 6th में आया हो, जैसे हमारा विद्यालय 6th to 12th है। इसके अलावा यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स में ज़्यादातर में पहले तो बिल्कुल ही नहीं होता था, आजकल कुछ स्कूल्स में जैसे स्विमिंग वगैरह की उन्होंने स्विमिंग पूल बना दिए हैं तो स्विमिंग भी स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर हमारे ट्रेडिशनल गेम्स ही ज़्यादातर चलते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। जैसे हमारे बच्चे कबड्डी का खेल खेलते हैं, वॉलीबॉल का खेल खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, चेस खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं और बास्केटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, मतलब स्पोर्ट्स में पूरी पकड़ है बच्चों की। ये वाले स्पोर्ट्स जो हमारे इंडियन स्पोर्ट्स हैं वो सारे बच्चे हमारे खेलते हैं, लेकिन क्योंकि कुछ सुविधाएं यहाँ पर नहीं है, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल है चाहे सरकारी स्कूल है, कि उसमें स्विमिंग पूल हर स्कूल के अंदर अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ने एक व्यवस्था की हुई है कि जो गवर्नमेंट ने अपने स्विमिंग पूल्स बनाए हुए नियर बाई एरियाज़ में, वहाँ वो पास बनवा सकते हैं और उसको हम सर्टिफाई करते हैं कि हमारे स्कूल का स्टूडेंट है, एक आई कार्ड उसको जारी किया जाता है और वो बच्चा शाम को वहाँ पर कोचिंग ले सकता है, फ्री कोचिंग होती है। NIS ट्रेंड कोच वहाँ पर लगे हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ नज़दीक नेशनल स्टेडियम है, नेशनल स्टेडियम में बहुत सारे बच्चे हमारे स्पोर्ट्स करने जाते हैं, हॉकी की ट्रेनिंग लेने जाते हैं, बास्केटबॉल खेलने जाते हैं और स्विमिंग पूल के लिए आसपास कई स्विमिंग पूल्स हैं वहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, तो वहाँ बच्चे जा सकते हैं। लेकिन जो एज सच यहाँ पर है कि हम उनको इंग्लिश की ट्रेनिंग या इंग्लिश स्पीकिंग का एनवायरनमेंट, सच पूछो तो हम देना भी नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि बच्चा इंग्लिश तो जाने लेकिन साथ में हिंदी को जरूर जाने, हमारी मातृभाषा है, बहुत बड़ी बात है। और अपनी मातृभाषा में ही बच्चा जब बात नहीं करेगा, आपने देखा होगा कि पब्लिक स्कूल के बच्चों को यदि आप कहो कि हिंदी में बोलना है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो बच्चा एक सेंटेंस में कम से कम 80% वर्ड्स इंग्लिश के यूज़ कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं वो एक उनके अंदर कमी रह जाती है। लेकिन यदि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चा, क्योंकि इसको इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है और ऐसा नहीं है कि वो बच्चे जैसे जैसे वो बड़े होते चले जाते हैं, वो बच्चे बाद में इंग्लिश को भी वैसे ही पिकअप कर लेते हैं। और बाद में मैंने देखा है कि कितने सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे वहाँ जो कॉमन प्लेटफॉर्म पे पहुँचते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचते हैं, कॉलेजेस में पहुँचते हैं, तो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के इंग्लिश में बात करते हैं और उनसे अच्छी इंग्लिश भी बोल लेते हैं कई बच्चे हमारे।
और हिंदी तो बोलते ही लाजवाब है वो। तो एक तरीके से मैं तो कहता हूँ यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में रह के दोहरा लाभ है। बिल्कुल सर। लेकिन प्राइवेट में जो एक बाउंडेशन हो जाती है कि इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेज में बोलना नहीं है, वो प्रतिबंध हम यहाँ पर नहीं लगाते, ना लगा सकते और ना लगाना चाहिए। और आप देखो कि बच्चे ऐसे होते हैं हमारे कि जिनके घरों में सुविधा नहीं होती, ऐसे ऐसे बच्चे हैं, एक कमरा है और उनके 10-10 मेंबर उस घर में रह रहे हैं, उस कमरे के अंदर रह रहे हैं, और वो बच्चा फिर भी पढ़ के फर्स्ट डिवीजन से यदि पास होता है। तो मैं कहता हूँ पब्लिक स्कूल का जिसके पास इतना बड़ा घर है, इतनी फैसिलिटी है, यदि वो 90% लेके आया है और मेरा 60 लाया, तो मेरा वो 60 वाला बच्चा उससे ज़्यादा टैलेंटेड है। यदि उसको वो फैसिलिटी मिल गई तो होती तो शायद वो बच्चा बोर्ड टॉप कर सकता था या 90 से ज़्यादा ही ले सकता था। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में देखेंगे तो ज़्यादातर जो पदाधिकारी होंगे, जो UPSC क्लियर करते हैं, जो SSC क्लियर करते हैं, उनमें हमारे ही बच्चे होते हैं। सर, आपने फैसिलिटीज़ की बात करी कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ज़्यादा फैसिलिटीज़ बच्चों को दी जाती है, गवर्नमेंट स्कूल्स में उस कदर फैसिलिटी, क्योंकि बच्चों का बैकग्राउंड भी कई बार इतना अच्छा नहीं हो पाता है, तो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर बच्चों को फैसिलिटीज़ दी क्या क्या जाती है, किस लेवल पर बच्चों को फैसिलिटीज़ मिलती है? बच्चों को फैसिलिटीज़ देखिए, एक तो जैसे मान लीजिए हमें डिबेट कम्पटिशन कराना है, तो हमारा टीचर उसको डिबेट तैयार करने के लिए पूरा उसका सहयोग करता है। बच्चे को पहले कहता है डिबेट आपने खुद लिखनी है, उसके बाद फिर यदि टीचर ही सब कुछ लिख के देता है। पब्लिक स्कूल में क्या है, जिसको आप फैसिलिटी कह रहे हो, वो एक तरीके से स्पून फीडिंग है, मैं तो कहता हूँ। पूरा टीचर लिख के उसको दे देते हैं और फिर बच्चा उसको याद कर लेता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो मुझे फ़र्क लगता है वो ये कि पहले टीचर कहता है बच्चे से आप लिख के लाओ, उसके बाद टीचर उसके अंदर करेक्शंस करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे को लिखने दें। जैसे हमारे यहाँ कवि सम्मेलन होता है रामजस के अंदर, या अंताक्षरी प्रतियोगिता होती है रामचरितमानस की, उसमें हमारे बच्चे खुद अपनी तैयारी करते हैं, टीचर उनको सहयोग करते हैं, तो सहयोग करवाते हैं हम और बच्चे को पढ़ने के लिए खुद देते हैं। तो फैसिलिटी जो है वो इस तरीके की दी जाती है कि बच्चे को स्पून फीडिंग ना दे के बच्चे को सहयोग किया जाए। तो वो फैसिलिटी हम देते हैं, ना कि हम हर चीज़ बच्चे को प्लेट में परोस के उसको दे दिया, बच्चा भी, और फिर उसको प्राइवेट स्कूल में, घर में भी ट्यूशन लगा हुआ है, 2 टीचर पढ़ाने 4 टीचर पढ़ाने घर में भी आते हैं, उसको होमवर्क करा जाते हैं, और स्कूल में भी उनको बहुत कुछ इस तरीके से बता दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से कि बच्चे को थोड़ा क्रिएटिव रहने दिया जाए, थोड़ा उनको करने दिया जाए, और जब वो ना कर पाए तब उनको बताया जाए। मतलब सर, स्पून फीडिंग नहीं करानी चाहिए। स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं करानी चाहिए। सर, एक बहुत कॉमन सी चीज़ हो सकता है, आपने भी कई बार सुनी और आमतौर पर हमारे समाज में कई बार बातें होती हैं, कि छोटा सा स्टेटमेंट ये आता है कि सरकारी स्कूलों में अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। इस बात में कितनी तुक है, या इस बात का कोई तुक ही नहीं है, कोई सिरफर नहीं है? देखिए, जहाँ तक बिगड़ने की बात है, तो आप यदि ऑन एन एवरेज डाटा कलेक्ट देखेंगे ये वाला कि भाई किस स्कूल में कितने हादसे हुए, तो आप रिकॉर्ड उठा लें, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हादसे कम से कम मिलेंगे आपके, जो बिगड़ने वाले हादसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ड्रग्स लेने का एक कई बार मैंने अखबारों के माध्यम से पढ़ा है कि किसी बड़े से स्कूल में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि फले बड़े प्राइवेट स्कूल के बच्चे स्कूल के कमरे के पीछे या हॉस्टल के पीछे या दीवार के पीछे ड्रग्स लेते पाए गए। तो उस तरह की हमारे यहाँ कभी गवर्नमेंट स्कूल में आपको शिकायत नहीं मिलेगी। और बच्चे शरारती होते हैं गवर्नमेंट स्कूल के, आप उनको बिगड़ना मत कहो, ये बच्चे शरारती होते हैं। और बच्चा शरारत नहीं करेगा तो फिर कब करेगा, कौन करेगा? हम तो शरारत करेंगे नहीं इस उम्र में। तो बच्चे को जो शरारत करनी चाहिए वो ज़रूरी है, वो करते हैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, एक दूसरे को थोड़ा छेड़ते हैं, छेड़ना चाहिए, एक दूसरे को हल्का सा टीज़ करते हैं, करना चाहिए, ताकि उससे बच्चे को फेस करना है, वो उसको जवाब देना सीखता है कि मुझे इसे, ये मेरे से भैया हैं, मेरे से सीनियर हैं, और इन्होंने मेरे को ऐसे कह के कुछ कहा है, तो मैं इसका जवाब क्या दूं? कुछ कमियां बच्चों में होंगी तो वो सीखने के लिए तो आते हैं, तो हमें उन्हें काउंसिल करना चाहिए, हमें उन्हें सुधारना चाहिए। और सुधरने के बाद जब वो जाते हैं अपने जीवन में, तो वही चीज़ें उनके काम आती हैं, वो बताते हैं कि हमारे विद्यालय में हमारे टीचर हमें एक बात बताया करते थे, वो बड़ा काम आ रही है हमारे, कई बार ऐसा कहते हुए सुना है। आपका भी शायद कोई एक्सपीरियंस होगा ऐसा। सर, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ की जब भी हम बात करते हैं, अभी हमने आपके कुछ नोटिस बोर्ड्स पर भी देखा कि एक शब्द हमने यहाँ देखा, यूथ पार्लियामेंट, जिसमें बच्चों ने कई तरीके की वेशभूषाएँ अपना रखी हैं, बच्चे एक मिनिस्टर्स की फॉर्म में बच्चों ने कपड़े पहने हुए हैं, और कुछ साल पहले ही आपके स्कूल में, और आज भी आपने अभी थोड़ा सा इस बारे में जिक्र किया था,
तो इस तरीके की जो करिकुलम एक्टिविटीज इन स्कूल्स में हमारे स्कूल्स में होती है, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश आ रहा है। यूथ पार्लियामेंट एक्चुअली एक पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की एक्टिविटी है जो बच्चों को ये एक्नॉलेज कराने के लिए कराई जाती है कि पार्लियामेंट होती क्या है और पार्लियामेंट को चलाया कैसे जाता है, क्योंकि टेलीविज़न स्क्रीन पे कई बार बच्चे या तो देखते ही नहीं है, क्योंकि वैसे तो आता है आजकल लोकसभा राज्यसभा चैनल्स आते हैं तो उनमें वो पूरी कार्यवाही दिखाते हैं, तो जो ज़्यादातर मेच्योर लोग होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है वो लोग तो उसे देख लेते हैं, लेकिन मैंने बहुत कम देखा कि बच्चे इस तरीके के चैनल्स को पसंद करते हैं, उनके अपने एंटरटेनमेंट के चैनल्स हैं उन्हीं को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थ्रू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक एक्टिविटी स्टार्ट की जिसको कहते हैं यूथ पार्लियामेंट। यूथ पार्लियामेंट में हम लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों को बिल्कुल उसी माहौल में उसी प्रकार में एक आर्टिफिशियल पार्लियामेंट तैयार कर दी जाती है स्कूल के अंदर, और जैसे जैसे वहाँ बैठते हैं कि लेफ्ट विंग इधर बैठेगी, राइट विंग वाले इधर बैठे, पक्ष प्रतिपक्ष और लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के स्पीकर, जो भी यूथ पार्लियामेंट में लोकसभा दिखाते हैं जनरली, तो उसके स्पीकर्स कैसे बैठेंगे और वो किस तरीके से जब आएंगे तो बाकी लोग किस अदब से उनके साथ खड़े हो जाएंगे, फिर वो कैसे क्वेश्चन आवर्स होते हैं, पहले क्या चलता है उसके बाद में कार्रवाई। तो जनरली लोगों को ये होता है कि भाई पार्लियामेंट में तो यूं ही हो हंगामा मचा रहता है कि वो आए, एक ने सवाल पूछ दिया, दूसरा खड़ा हो गया, तीसरा ने शोर मचाया, ऐसा नहीं होता। बकायदा जीरो आवर होता है, क्वेश्चन आवर होता है, और उसके बाद में कई सवाल होते हैं जो ओपोजिशन को मंत्रियों से पूछने होते हैं और मंत्रियों को वो उन सब के जवाब देने होते हैं वहीं पर और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो भी मंत्री होता है, मान लीजिए गृह मंत्री से आज सवाल पूछने हैं तो गृह मंत्री के जो आईएएस ऑफिसर सेक्रेटरी होते हैं वो वहीं पर वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और उनके पूरे जवाब उनके पास वो गृह मंत्री को या जो भी मंत्री कंसर्न है उनको देते रहते हैं, तो वो फिर उनको एक जवाब का कागज़ देता है। पूरा फॉर्मेट बच्चों को बताया जाता है, बच्चों को बताया जाता है कि इस तरीके से हमारी पार्लियामेंट चलती है। तो सर अपने स्कूल की क्या परफॉर्मेंस रही इन करिकुलम एक्टिविटीज में? हमारे स्कूल में इस बार पाँचवीं बार लगातार यूथ पार्लियामेंट दी गई है, और जिस वक्त आप थे लोकसभा के स्पीकर एक बार हुई थी तो वो मेरे ख्याल से चौथी या तीसरी, हाँ चौवनवीं थी, तो 55वीं अब होगी, तो 54वीं में जब आप लोकसभा स्पीकर बनाए थे तो उस वक्त हमारी पूरी दिल्ली के विद्यालयों जितने 35 विद्यालयों में से चौथी पोजीशन थी। भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन की दुखद सूचना दी। अटल जी 3 बार प्रधानमंत्री के तौर पर राष्ट्र को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। अकॉर्डिंग टू MoFPI, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, द GDP ऑन 1st जनवरी 2018 7.7%। यदि हमारे विद्यालय के अंदर जो सरकारी विद्यालय हैं या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय हैं इनमें थोड़ी फैसिलिटीज़ की कमी है, अब सरकार पूरी करने जा भी रही है, काफ़ी कुछ कमियां दूर कर भी रही हैं, कुछ टीचर्स की शॉर्टेज रहती है। आपको सच बताऊं पब्लिक स्कूल्स के पास एक फ्री एंड रहता है, गवर्नमेंट स्कूल्स में या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है। बच्चों का भविष्य बनाने वाला, विद्यालय का नाम करने वाला यदि कोई है तो केवल और केवल टीचर है, केवल और केवल एक शिक्षक है। जो शिक्षक एक कक्षा में पढ़ाता है वो और कहीं पढ़ाई नहीं हो सकती। तो ये बस एक मेरा निवेदन है, ये मेरा एक सुझाव है कि अदरवाइज गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। जो थोड़ी बहुत कमी फैकल्टी की है, जो थोड़ी बहुत कमी सफाई सुथराई की है, यदि उसको पूरा कर दिया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाएगा ही नहीं। यादें परमात्मा का एक खूबसूरत तोहफा होती है हमारे खातिर। सरकारी स्कूलों की तालीम अच्छी होती है या नहीं ये तालीम लेने वाले पर निर्भर करता है। रामजस सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 जैसे पुराने स्कूलों की ये बुलंद दीवारें न जाने हमारी ही तरह और कितनी खूबसूरत यादें अपने भीतर समेटे हुए हैं। और आज इस वीडियो के अंत में
हम श्रीमान राजेश सनसनवाल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही रामजस्तीनर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 के तमाम टीचर्स का, तमाम अध्यापकों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक बेहतरीन रहबर के तौर पर हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन किया।